लिए अपने प्रधानमंत्री का को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों तरफ पलक पावड़े बिछाए इंतजार कर रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है जो कि अहमदाबाद से सरसपुर गांव तक जाएगा और प्रधानमंत्री जहां कहीं भी जब भी, केवल ये रोड शो की बात नहीं हो रही ओपी दास, बल्कि तमाम दूसरे शहरों में भी जहां प्रधानमंत्री गए हैं वहां उनको कई बार तमाम अवसरों पर ऐसा होता रहा है कि जनता स्वतः स्फूर्त पहुंचकर उनको देखने के लिए, उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए, उनको उनसे रूबरू होने के लिए लगातार उनके पास जुटी है। और आज भी कुछ इसी तरह के दृश्य हम देख सकते हैं जब सड़क के दोनों ओर खड़े तमाम लोग, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जवान, सब खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। बिल्कुल निखिल, आप देखिए कि आखिर प्रधानमंत्री की इस लोकप्रियता के पीछे वजह क्या है। वजह यह है कि एक तो लंबे समय तक उन्होंने न सिर्फ गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दी, पिछले 8.5 सालों में वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, और जैसा वो कहते हैं जिन शब्दों में कि वो प्रधान सेवक के रूप में वो देश की सेवा कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि किस तरह से उन्होंने लोगों के, आम हो या खास, उनके जीवन में एक बदलाव की ज्योति जगाई है। जीवन बदला है तमाम क्षेत्रों में, और एक तरह से उस जो मॉडल की हम बात करते हैं, विकास की मॉडल की, शासन प्रशासन के मॉडल की, कल्याणकारी राजनीति का जो दर्शन है जिसको नए सिरे से प्रधानमंत्री ने गढ़ा है, और गुजरात उसका सबसे पहला उदाहरण रहा है, इसलिए जनता उनको देखना चाहती है, उनसे संवाद करना चाहती है जब भी मौका मिले, और अपना प्यार वो प्रधानमंत्री पर इसी तरह लुटाती है। और हम जानते हैं निखिल कि कल जो किसी भी प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा लंबा रोड शो हुआ जो करीब 54 किलोमीटर का था, वो दिखाता है कि किस तरह से 10 लाख के आसपास लोग जुटे और वो बस एक झलक पा लेना नहीं चाहते थे, बल्कि उस मॉडल से विकास और कल्याणकारी राजनीति की और उस शासन प्रशासन का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री लेकर चलते हैं, नए भारत की बात करते हैं, उसका भी एक तरह से स्वीकार करना और एक तरह का संबल देना प्रधानमंत्री को उसमें शामिल है। निश्चित तौर पर जो ओपी आपने लोकप्रियता की बात कही, वो निश्चित तौर पर पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक विकास की किरण पहुंचाना, पंक्ति में खड़े सबसे जो निशक्त व्यक्ति है उसको भी सशक्त बनाना, ये प्रधानमंत्री का दर्शन रहा है। और उस दर्शन की वजह से ही, उस लाभ की वजह से ही प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है, जो प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि वो हर एक व्यक्ति के लिए सोचते हैं, प्रधानमंत्री जब वो कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हैं, तो लोगों ने इस बात को, सिर्फ ये कोरी जुमानी जमा खर्च नहीं है बल्कि लोगों ने इसको अपने जीवन में महसूस भी किया है। और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री निकलते हैं तो उनका अभिवादन करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों का तांता लग जाता है, हुजूम उमड़ पड़ता है। जो आपने कल का जिक्र किया, 54 किलोमीटर लंबा रोड शो, 10 लाख लोग, तो सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री के एक झलक पाने के लिए किस तरह से लोग लगातार दौड़ते हैं। तमाम सारी जो योजनाएं परियोजनाएं प्रधानमंत्री ने, केंद्र सरकार ने और गुजरात सरकार ने उनकी अगुवाई में जो चलाए हैं, वो सारा दरअसल लोगों के जहन में है। जो पहले का और अब का जो अंतर है वो लोग महसूस करते हैं, और यही वजह है कि आज के प्रतिस्पर्धी राजनीति में जहां पर व्यक्ति के पास समय नहीं होता, वहां वो प्रधानमंत्री की, अपने नेता की एक झलक पाने के लिए, उसको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, उसके साथ अपना जुड़ाव दिखाने के लिए, उसको महसूस करने के लिए इस ऐसे रोड शोज में पहुंचते हैं। आप ये देख सकते हैं दृश्य कि किस तरह से युवा उनकी गाड़ी के पैरेलल दौड़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि एक झलक प्रधानमंत्री की एक तस्वीर उतार लें। एक जो नया प्रचलन है ओपी दास, जो सेल्फी लेने का, वो भी लोग इसमें लगातार देखा जा सकता है कि लोग फोटोग्राफ्स कम से कम कोशिश तो आम लोग करते ही हैं, और युवा खासकर कोशिश करते हैं। जहां ज्यादा भीड़ हो जाती है, गाड़ी रोकनी पड़ती है, वहां पर लोग दौड़ करके सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं, तो सुरक्षा और खासी मशक्कत करनी पड़ती होती है। एक बार अब अपने दर्शकों को फिर से हम बता दें कि प्रधानमंत्री अहमदाबाद के सर्किट हाउस से निकले हैं और ये करीब 10 किलोमीटर का सफर तय करके सरसपुर गांव पहुंचेंगे, जहां पे जनसभा को संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री कल भी यहां मौजूद थे, लगातार चुनावी सरगर्मियों में प्रधानमंत्री भागीदारी कर रहे हैं और सीधा संवाद कर रहे हैं जनता से, और ये दृश्य आप अहमदाबाद की सड़कों के देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे अवरिष्ठ सहयोगी विनोद, हमारे साथ विनोद जी जुड़ रहे हैं, आइए जरा उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। विनोद जी, हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि चुनावी समर है और चुनावी गहमा गहमी है, इस बीच में
जो पिछले 8.5 सालों का और अगर उससे और ज्यादा आगे बढ़े पिछले 20 सालों का इतिहास जो सार्वजनिक जीवन में प्रधानमंत्री का इतिहास रहा है, मुख्यमंत्री के बतौर, प्रधानमंत्री के बतौर, ये देखा गया है कि जब चुनावी समर में प्रधानमंत्री खुद उतरते हैं तो जो तमाम मुद्दे होते हैं, जो तमाम रणनीतियां होती हैं, वो ध्वस्त हो जाती हैं विपक्ष की और चुनाव परिणाम उसका गवाह बनता है। क्या ऐसे ही एक परिस्थिति के हम गवाह बन रहे हैं और इसको निश्चित तौर पर चुनावी समय है तो चुनावी परिदृश्य या कहें उसी कॉन्टेक्स्ट